दोस्तों 90 के दशक में अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग के साथ लाखों करोड़ों लोगों की पहली पसंद बनने वाले अभिनेता गोविंदा के बारे में कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से हर एक फिल्म को सुपर डुपर हिट साबित किया और दर्शकों के दिलो दिमाग में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और इनकी इस सफलता के पीछे इनका सबसे ज्यादा साथ दिया इनकी लाइफ पार्टनर सुनीता आहूजा ने, जिन्हें कई बार अपने पति के साथ उनकी फिल्मों के प्रमोशन में भी साथ देखा गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन भी करेंगे कि अपने पति की प्रोफेशनल लाइफ में पूरा सपोर्ट करने वाली सुनीता आहूजा खुद ही अपने पति की 4 फिल्मों को देखना पसंद नहीं करती हैं? क्यों, चौंक गए ना आप भी? लेकिन ये सच है कि सुनीता आहूजा को गोविंदा की 4 फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आखिरकार कौन सी है वो 4 फिल्में और क्यों उन्हें देखना ना पसंद करती है गोविंदा की पत्नी? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब। नंबर 1 पर है नसीब। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है साल 1997 में आई फिल्म नसीब का, जिसमें अभिनेता गोविंदा मुख्य भूमिका के तौर पर कृष्ण प्रसाद का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। यूं तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी और ममता कुलकर्णी के साथ गोविंदा की जोड़ी भी खूब पसंद की गई थी। लेकिन फिल्म के एक सीन में गोविंदा को शराब पीते हुए दिखाया गया था, जिसमें इन्होंने हद से ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। और जब सुनीता आहूजा को पता चला कि फिल्म में उनके पति का इस तरह का कैरेक्टर भी दिखाया गया है, तभी से इन्होंने गोविंदा की इस फिल्म को नापसंद करना शुरू कर दिया था। इसीलिए तो ये आज भी इनकी इस फिल्म को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। नंबर 2 पर है मुकाबला। अभिनेता गोविंदा की नसीब फिल्म के बाद उनकी पत्नी इनकी जिस दूसरी फिल्म को देखना पसंद नहीं करती हैं, वो है साल 1993 में आई फिल्म मुकाबला, जिसमें अभिनेता गोविंदा को हवलदार सूरज के मुख्य किरदार में देखा गया था और इनके साथ आदित्य पांचोली भी लीड रोल में दिखाई दिए थे। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई की थी, लेकिन फिल्म की जितनी भी तारीफें की गई थी, उन सभी का क्रेडिट गोविंदा से ज्यादा अभिनेता आदित्य पंचोली को दिया गया था। और बस यही बात सुनीता आहूजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आखिरकार फिल्म की सक्सेस को लेकर इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पूरा क्रेडिट आदित्य को जो दिया गया था, तभी तो आज भी इन्हें अपने पति की ये फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 3 पर है भागम भाग। क्यों, चौंक गए ना अभी? लेकिन ये सच है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म भागम भाग भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसे गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, जिसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ फिल्म में गोविंदा का साइड रोल था। बता दें कि गोविंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाते हैं, जिसकी वजह से सुनीता चाहती थी कि फिल्म में गोविंदा का लीड रोल हो, पर बावजूद इसके फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार ने लीड रोल प्ले किया था, जो बात सुनीता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और इसी वजह से ये अपने पति की इस फिल्म से नफरत कर बैठी थी, जिसे देखना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। नंबर 4 पर है रंगीला राजा। जी हाँ, रंगीला राजा वही फिल्म है जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसमें गोविंदा ने मुख्य भूमिका के तौर पर विजेंद्र प्रताप सिंह का किरदार अदा किया था। और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इस फिल्म से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन गोविंदा की ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जिनकी इसी नाकामयाबी की वजह से गोविंदा खूब निराश हुए थे। और अपने पति की इसी निराशा की वजह से सुनीता आहूजा को उनकी ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके बारे में ये कभी जिक्र तक नहीं करती। तो दोस्तों, क्या सुनीता आहूजा की तरह आप भी गोविंदा की किसी फिल्म को देखना नापसंद करते हैं? अगर हाँ, तो आप हमें उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।